now we are going to discuss a topic which is merchandising merchandising in a retail store is a very important aspect of the business normally merchandising kya hai? activities that involves in acquiring products or services an objective of these activities is that you can make the product available for the right the right place the right time in the right quantity and then दी ऑब्जेक्टिव के जो रिटेलर ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके सो so, अगर मैं इन जनरल इसको इलेबरेट करूं तो मर्चेंडाइजिंग में वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक रिटेलर जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम दी एक्वायरिंग ऑफ द प्रोडक्ट फिर उन प्रोडक्ट को किस लोकेशन के ऊपर किस प्लेस के ऊपर कितनी स्पेस के ऊपर किस टाइम में एंड देन किस प्राइस के ऊपर कितनी क्वान्टिटी में यू नीड टू डिस्प्ले यू नीड टू शो यू नीड टू सेल ताकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द रिटेलर्स शुड बी मेट बिकॉज द रिटेल ऑब्जेक्टिव इज टू गेन मोर कस्टमर मार्केट शेयर मोर कस्टमर शेयर ऑफकोर्स मोर बिजनेस एंड एट द एंड ऑफ द डे मोर प्रॉफिटबिलिटी सो मर्चेंडाइजिंग में रिटेलर का ऑब्जेक्टिव ये होता है अचीव करने का कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी तो उसने कर ली है अब उस प्रोडक्ट को कितना स्पेस उसने देना है एक पर्टिकुलिस टाइम के ऊपर देना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मर्चेंडाइजिंग को हम दो एस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं एक हमारे पास कहलाती है माइक्रो मर्चेंडाइजिंग और दूसरी हमारे पास कहलाती है क्रॉस मर्चेंडाइजिंग तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रो मर्चेंडाइजिंग को माइक्रो मर्चेंडाइजिंग रिटेलर एडजस्ट स्पेस शेल्फ एलोकेशन to respond to customers and other differences among local markets. क्या कर रहा है इसमें merchandiser? इसमें एक retailer क्या कर रहा है micro uh, merchandising के अंदर कि retailer adjust करता है shelf space को according to the needs of the customer, as per the needs of the customer या फिर as per the local market requirement या local changes in the local market. तो दोनों सूरतों के अंदर जब एक रिटेलर बिल्कुल अटेंशन टू डिटेल के ऊपर जाकर मर्चेंडाइजिंग करता है या तो अटेंशन टू डिटेल दिस माइक्रो मर्चेंडाइजिंग द टारगेट इज दर टू मीट दे रिक्वायरमेंट्स और नीड्स ऑफ द कस्टमर ऑन वन साइड या दूसरी तरफ से कस्टमर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर है आपको एक रिटेलर को आइडिया है कि वो कस्टमर ये वाला प्रोडक्ट इसकी सेलिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है कस्टमर बहुत फ्रीक्वेंटली इस प्रोडक्ट को शेल्फ से बाय करता है सो so, रिटेलर को हो सकता है वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हो लेकिन क्योंकि रिटेलर देख रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलिंग बहुत ज़्यादा है तो रिटेलर उसके अकॉर्डिंगली उसको स्पेस एलोकेट करेगा उसकी मर्चेंडाइजिंग उसके अकॉर्डिंगली करेगा और जब रिटेलर ऐसा करेगा इसका मतलब ये है कि वो रिटेलर माइक्रो मर्चेंडाइजिंग को फॉलो कर रहा है बिकॉज वो कस्टमर की नीड्स को देखते हुए अपनी मर्चेंडाइजिंग को एडजस्ट कर रहा है इसी तरीके से अगर लेट्स से कंपटीशन किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को किसी एक प्रोडक्ट सर्विसेज को लेट्स से वो टारगेट कर रहा है और फोकस कर रहा है सो अगेन इफ अ रिटेलर एडजस्ट इट्सल्फ मर्चेंडाइजिंग किस तरीके से अगर वो देखता है कि मार्केट के अकॉर्डिंगली मार्केट के कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंगली लोकल मार्केट्स के अकॉर्डिंगली इफ़ अ रिटेलर एडजस्ट इट सेल्फ़ तो so, ये अगेन इट विल बी कंसिडर्ड एज माइक्रो मर्चेंडाइजिंग अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की विच इज क्रॉस मर्चेंडाइजिंग सो नॉर्मली क्रॉस मर्चेंडाइजिंग के अंदर क्या है रिटेलर्स कैरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज टू एनकरेज शॉपर टू बाय मोर बहुत ईजीली आप इफ यू टेक एन एग्जाम्पल यू कैन रियली ड्रिल डाउन वट इट इज अबाउट अगर हम जनरली बात करते हैं इफ यू एंटर इन टू लेट लेडीज Uh, tech clothing store. Vahapar, the main product they are selling, for example, they are selling fabrics or they are selling suits. Now, what can be the complementary goods? For example, if they are selling shoes, if they are selling jewelry, if they are selling bags, if they are selling some accessories, all these products are complementary goods. Of course, the retailer main business is not these complementary goods. Their main business is clothing or textile. However, they are complimenting encouraging customers to buy more because the customer is there and customer is buying that particular product. Let me give an example. For example, if we talk men's clothing, you want to buy some suit, so you you want to buy some trouser you want to buy some shirt. So, but in that particular uh, retailer, the complementary goods could be a tie, socks, maybe some undergarments, maybe some belt, maybe some other accessories. So, all these products would be complementary goods.